उक्त विचार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के योग साधना केंद्र में कुलपति प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी की अध्यक्षता में आज बुधवार को अपराह्न 2 बजे सांख्य योग तंत्रागम विभाग के अति विशिष्ट आचार्य पद्म विभूषण महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी की 136वीं जयंती पर व्यक्त किया गया। कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी ने कहा कि 7 सितंबर 1887 को जन्मे पंडित कविराज जी संस्कृत के विद्वान और महान दार्शनिक थे। 1914 में पुस्तकालयाध्यक्ष से आरंभ करते हुए 1923 से 37 तक वाराणसी के शासकीय संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य रहे। इस अवधि में सरस्वती भवन ग्रंथमाला के संपादक भी रहे। ऐसे विशिष्ट विद्वानों के व्यक्तित्व कृतित्व पर ऐसी जयंतियों का आयोजन से ऐसे श्रेष्ठ महान विभूति देवतुल्य आचार्य के लिए कृत्य प्रकाश श्रद्धांजलि जैसा होगा, नई पीढ़ी के लिए संबल और मार्गदर्शन का प्रवाह मिलेगा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता योग तंत्रागम विभाग के पूर्व आचार्य राजनाथ त्रिपाठी ने कहा कि महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज वर्तमान युग के विश्वविख्यात भारतीय प्राच्यविद तथा मनीषी रहे हैं। इनकी ज्ञान साधना का क्रम वर्तमान शताब्दी के प्रथम दशक से आरंभ हुआ और प्रयागराज तक अबाध रूप से चलता रहा। प्राचीनता के संपोषक एवं नवीनता के पुष्कर्ता के रूप में कविराज महोदय का विराट व्यक्तित्व संधि काल की उन संपूर्ण विशेषताओं से संबंधित है जिनमें जातीय जीवन प्रगति पथ पर अग्रसर होने का संबल प्राप्त कर रहा है। स्वागत भाषण विषय प्रकाश एवं संचालन संयोजन प्रोफेसर राघवेंद्र जी दुबे ने किया। धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर सुधाकर मिश्र ने किया। परम श्रद्धे गोपीनाथ कविराज महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज के जन्म महोत्सव पर ये आज संगोष्ठी की गई है। ये तंत्र शास्त्र के और आगम शास्त्र के विश्व स्तरीय विद्वान थे और यहाँ तक कि कहा जाता है कि 5-6 साले सरस्वती भवन पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष रहे। और हम अपने गुरुओं से यही सुने हैं कि सरस्वती भवन में जितनी पांडुलिपियाँ और पुस्तकें थी सभी पुस्तक किस पुस्तक के किस पेज पर क्या लिखा है उनको कंठस्थ था। इससे सिद्ध होता है कि सरस्वती माँ के आराधक बहुत बड़े थे। उसे संदेश यही देना चाहते हैं कि जो हमारी एक परंपरा रही उस परंपरा का पुनर्जीवन हो और इसमें भी जैसे सरकार भी भारतीय ज्ञान परंपरा के पुनर्जीवन के लिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत कार्य कर रहे हैं तो उसका पुनर्जीवन करके हम सभी इसके विकास के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय और भारतीय संस्कृत परंपरा के विकास के लिए कार्य करते रहें।